हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पांच बेस्ट ऐसे कीबोर्ड जो आप परचेस कर सकते हैं अंडर ₹4000। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कीबोर्ड है वो है केशियो कंपनी का SA76, जो कि आपको पड़ेगा अराउंड 3500 की रेंज में। एंड अगर हम इस फीचर्स की बात करें इस पर्टिकुलर कीबोर्ड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 44 मिनी कीज देखने मिलेगी इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में, 100 टोन्स, 50 रिदम्स, एंड इसी तरह से उन्हीं टोन्स में से तीन अलग आपको इंडियन टोन्स देखने मिलेगी, एंड इसी तरह से पांच इंडियन रिदम्स देखने मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में, क्योंकि आपको इंडियन रिदम खास करके इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में मिल रही है। एंड इसी तरह से यहाँ पर पियानो टू ऑर्गन शिफ्ट करने का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो आप ऑरेंज कलर का यहाँ पर जो बटन देख रहे हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर आपको 10 सॉन्ग बैंक दिए हुए हैं ताकि आप उससे सुन सके, डेमो प्ले कर सके। एंड इसी तरह से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं, तो आप इजीली इससे कर पाए। तो ये है हमारा सबसे पहला कीबोर्ड जो कि है SA76, जो कि आपको पड़ेगा 3500 की रेंज में, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेफिनेटली केशियो का कीबोर्ड है तो थोड़ी सी रेंज आपको मे बी ज़्यादा लग रही होगी, कीबोर्ड भले ही छोटा है बट रेंज ज़्यादा लग रही होगी, बट मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड है वो है SA77 केशियो का। बेसिकली ये भी सेम फीचर वाला ही कीबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 44 मिनी कीज इसमें दी गई है, 100 टोन्स, 50 रिदम्स दी गई है, बट यहाँ पर एक टोन आपको ज़्यादा देखने मिलती है इंडियन टोन, मतलब कि चार उसमें तीन इंडियन टोन थी जो कि हमने पहले देखा है SA76 में। एंड यहां पर आपको देखने मिलती है अराउंड 4 इंडियन टोन्स, एंड इसी तरह से यहाँ पर आपको पांच इंडियन रिदम्स देखने मिलेगी जैसा कि उसमें था। उसमें सिर्फ पियानो एंड ऑर्गन के बीच में ही शिफ्ट का ऑप्शन दिया था, बट यहाँ पर आपको हारमोनियम भी मिल जाएगा साथ में, एंड 10 सॉन्ग बैंक्स भी इसमें दिए हुए हैं। तो हम अगर बात करें तो इन दोनों कीबोर्ड की आप प्राइस देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी प्राइस देख सकते हैं, एग्जैक्ट प्राइस है 76 की एंड 77 की, एंड डेफिनेटली केशियो का कीबोर्ड है तो इसमें आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड है वो है जॉर्ज ऑक्टेव JRK660, जो कि एक 61 कीज का कीबोर्ड है, एंड बेसिकली ये आपको पड़ेगा अराउंड 3800 की रेंज में। एंड अगर मैं बात करूँ इसका जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो है इसकी 61 कीज का होना, क्योंकि 3800 की रेंज में अगर आपको 61 कीज का कीबोर्ड मिल रहा है तो वो काफ़ी बेहतर बात है। अगर आप एक बिगिनर है, अगर आप कीबोर्ड सीख रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर सिर्फ टोन क्वालिटी पे नहीं जाना है, अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कि अगर आपको सिर्फ टोन्स चाहिए एंड 61 की चाहिए कोडिंग प्ले करने के लिए, तो ये कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। एंड इसी तरह से आप इसका एक इमेज प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ पर इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि इसमें LED डिस्प्ले दी गई है, एंड जो कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स इसके साथ मिलते हैं, स्टैंड एडोप्टर वगैरह। एंड इसी तरह से यहाँ पर 200 रिदम्स दी गई है इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में, एंड 200 टोन्स दी गई है, 40 डेमोज दिए गए हैं, USB आउटपुट का ऑप्शन दिया गया है, 8 परकशंस दिए गए हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पर नो माइक, मतलब कि इसमें माइक की कोई भी अवेबिलिटी नहीं है। एंड आप इसका एक इमेज प्रीव्यू देख सकते हैं, तो जो हमने केशियो के मॉडल देखे थे तो आप उसमें की साइज़ देख सकते हैं, वो की साइज़ काफ़ी छोटी थी, बट इसमें आपको एक लॉन्ग की साइज़ यहाँ पर देखने मिलती है, एंड वो भी 61 कीज का कीबोर्ड है, सो ये एक इसका हाईलाइटेड पॉइंट है। बट अगर हम देखने जाएं तो जो केशियो का अभी हमने देखा और ये जो कीबोर्ड देखा, प्राइस का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 300-400 रुपये का ही फ़र्क है, बट क्वालिटी अगर हम बात करें तो क्वालिटी केशियो में ही मिलेगी टू बी ट्रू। और ये जो ब्रांड है उसमें आपको इतनी क्वालिटी टोन वगैरह में या फिर रिदम में आपको इतनी क्वालिटी देखने नहीं मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट कीबोर्ड है वो है डोमिनिको फैंटेसी 54, जो कि आपको पड़ेगा अराउंड 2300 से लेकर 2500 की रेंज में। एंड सबसे पहले अगर इसकी प्राइस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक बजट फ्रेंडली कीबोर्ड है, मतलब 2500 के अंदर आपको 54 कीज का कीबोर्ड मिल रहा है। एंड कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें इसके फीचर्स के साथ, तो सबसे पहले कि आपको 54 कीज यहाँ पर देखने मिलती है, 10 डेमोस देखने मिलते हैं, 100 टोन्स एंड रिदम्स यहाँ पर इस कीबोर्ड में आपको देखने मिल जाएगी। एंड अगर इसके हाईलाइटेड फंक्शन की बात करें तो इसमें आपको रिकॉर्ड एंड प्लेबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा फंक्शन हम बोल सकते हैं। एंड इस तरह से यहाँ पर आपको माइक्रोफोन इनपुट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइक्रोफोन इनपुट का ऑप्शन है, ऑडियो आउटपुट का ऑप्शन है, एंड ऑडियो आउटपुट लाइक कॉमन ऑप्शन है, डबल स्टीरियो स्पीकर्स, आपको काफ़ी अच्छे स्पीकर्स भी दिए गए हैं इस पर्टिकुलर कीबोर्ड में। तो अगर मैं इन सभी फीचर्स को
हालांकि कंपेयर करूँ प्राइस रेंज से तो ये एक कीबोर्ड काफ़ी अच्छा हम बोल सकते हैं, क्योंकि 2300-2400 की रेंज में अगर आपको इतने सारे फंक्शन एक कीबोर्ड में मिल रहे हैं, और अगर आप एक सिर्फ बिगिनर हैं और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कीबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट कीबोर्ड है वो है रॉक जैम का 49 की पोर्टेबल डिजिटल पियानो, जो कि आप उसका एक सबसे पहले प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो लुक वाइज है कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है दिखने में। एंड इसी तरह से अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी डिस्प्ले देखने नहीं मिलेगी, बेसिकली यहाँ पर आपको मिनी कीज़ मिलेगी यहाँ पर। एंड इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिवली जो हमने पहले वाले कीबोर्ड्स देखे उसके साथ कंपेयर करें तो उसमें इतने फंक्शंस नहीं है, बट इसकी जो प्राइस रेंज है वो है 3400 अराउंड। तो अगर आप कुछ लुक वाइज देख रहे हैं कीबोर्ड, क्योंकि हमको थोड़ा अच्छा कीबोर्ड दिखने में चाहिए या फिर थोड़े बहुत फंक्शंस उसमें चाहिए, तो ये कीबोर्ड भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है 3400 की रेंज में। एंड इसी तरह से यहाँ पर इसमें कुछ अलग से ऑप्शन दिए गए हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है, प्रोग्राम सिंक कोड्स वगैरह का ऑप्शन दिया है, तो वो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हम इसमें बोल सकते हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पर इसकी और भी थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अगर हम इसे चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 इंस्ट्रूमेंट्स, 10 रिदम्स, 8 परकशंस, ऑटो कोड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सस्टेन इफेक्ट दी गई है, जो कि आई गेस अभी तक जो हमने जो भी कीबोर्ड देखे उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो ये थे कुछ 5 बेस्ट कीबोर्ड जो आप परचेस कर सकते हैं अंडर ₹4000। एंड इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं इन सभी कीबोर्ड्स की बात करूँ तो ये कीबोर्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कीबोर्ड में क्वालिटी चाहिए या फिर आपको कीबोर्ड में 61 कीज़ चाहिए, उसके फंक्शंस अच्छे होने चाहिए या फिर वो मॉडल अच्छा होना चाहिए, ये आपके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। बट ये आपको अराउंड पड़ जाएंगे 4000 की रेंज में। इनकी परचेज लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इजीली वहां पर जाकर अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो एंड कॉन्टेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।